एनिमल किंगडम का एक सिंपल रूल है, यहाँ वही जिंदा बचता है जो शिकार करने में माहिर है। यही वजह है कि बाघ, शेर और तेंदुआ जैसे खूंखार जानवर भी अपनी शानदार हंटिंग स्किल्स के दम पर न सिर्फ एनिमल किंगडम पर राज करते हैं बल्कि एक ही झटके में अपने शिकार को चारों खाने चित करना बखूबी जानते हैं। और कुछ यही सिमिलरिटीज हमें आसमान पर राज करने वाले शिकारी पक्षियों में भी देखने को मिलती है, जो तो ताव से उड़ते हुए अपने शिकार पर निशाना साधना अच्छे से जानते हैं। ऐसे में चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही खतरनाक पक्षियों के खतरनाक हमलों से रूबरू करवाते हैं, जो पानी, आसमान, जमीन सभी जगहों पर अपनी हंटिंग स्किल से दहशत मचाते हैं और शिकार को पलक झपकते ही मार डालते हैं। ईगल अटैक स्नेक। अपने तेजी, फुर्ती और पॉइजनस वेनम के साथ सांप भले ही बेहद खतरनाक हो, लेकिन ईगल जैसे शातिर शिकारी से बच पाना इनके लिए हमेशा से ही मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईगल का आई विजन कमाल का होता है, जिसकी मदद से ये हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए भी जमीन पर रेंग रहे शिकार को आसानी से देख सकते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो ये अपनी पेनी नजर के दम पर पानी में रहने वाले सांप को भी उठा ले जाते हैं। और इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि हवा में उड़ता हुआ ये ईगल पानी के अंदर तैर रहे इस सांप के ऊपर अपना टारगेट फिक्स कर लेता है और जितनी तेजी से ये नीचे आता है उतनी ही तेजी से सांप को अपने पंजों में दबाकर 9-2-11 हो जाता है। हालांकि सांप ईगल के चंगुल से निकलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ईगल के सामने इसकी एक नहीं चलती। इसके बाद ईगल इस सांप को लेकर सीधे अपने घोंसले में पहुंच जाता है और अपने बच्चों के साथ मिलकर इस लजीज खाने का आनंद लेता है। फाल्कन अटैक कनाडा गूस। फाल्कन को हमेशा से ही अपने से बड़े साइज के शिकार पर निशाना साधने के लिए जाना जाता है। यह न केवल बड़े साइज के जीवों पर अटैक करने की ताकत रखते हैं, बल्कि पलक झपकते ही उन्हें अपना निवाला भी बना डालते हैं। ऐसा ही कुछ हमें इस क्लिप में देखने को भी मिलता है, जहां फाल्कन अपने शिकार की तलाश में उड़ान भर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर इस कनाडा गूस के ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद बिजली की रफ्तार से ये नीचे आता है और गूस के ऊपर जोरदार अटैक करता है। वही इस जबरदस्त अटैक से खुद को बचा के लिए कनाडा गूस पूरी तरह से असफल हो जाता है, क्योंकि फाल्कन की यह रणनीति होती है कि पूरी ताकत के साथ गूस की गर्दन पर पकड़ बनाई जाए और फिर अपने पंजों से उसके सिर पर हमला कर उसे घायल किया जाए। हालांकि काफी मशक्कत के बाद फाल्कन अपनी इस जंग में सफल हो जाता है और देखते ही देखते कनाडा गूस को अपना भोजन बना लेता है। सेक्रेटरी बर्ड अटैक स्नेक। आइए अब हम आपको सेक्रेटरी बर्ड की हैवानियत का एक ऐसा मामला दिखाते हैं जिसे देखकर आप अंदर तक हिल जाएंगे। दरअसल इस सेक्रेटरी बर्ड का सामना बेहद ही जहरीले सांप से होता है, जिसके बाद ये पक्षी सांप को अपने सामने देखते ही अटैकिंग मोड में आ जाता है और अपने लंबे लंबे पैरों से सांप के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। हालांकि सेक्रेटरी बर्ड के लगातार हमलों से खुद को बचाने के लिए सांप इधर उधर भागने की कई कोशिश करता है, लेकिन अफसोस सेक्रेटरी बर्ड के अटैक से खुद को बचा नहीं पाता। काफी देर तक चले इस घमासान युद्ध में आखिरकार जीत सेक्रेटरी बर्ड की ही होती है। ब्लैक वल्चर अटैक टर्टल। दोस्तों अब बात अगर बर्ड्स के सबसे खतरनाक हमले की हो और उसमें ब्लैक वल्चर का जिक्र ना हो तो ऐसे में ये बात बिल्कुल ही अधूरी रह जाती है, क्योंकि ब्लैक वल्चर नामों के पक्षी इतने खूंखार शिकारी होते हैं कि इनका दिया हुआ जख्म सभी जानवरों के ऊपर देखने को मिल जाता है। अब जरा इस क्लिप को ही देख लीजिए, जिसमें दिख रहे ये ब्लैक वल्चर्स इस कछुए को अपना शिकार बनाने पर पूरी तरह से उतारू हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये कछुए की पीठ पर सवार होकर अपनी नुकीली चोंच से कुछ इस तरह वार करते हैं कि कछुआ दर्द के मारे पूरी तरह से बिलबिला उठता है, लेकिन इसके बाद भी इन वल्चर्स की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि कछुआ इन दरिंदों के हमलों से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इन ब्लैक वल्चर्स की हैवानियत को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मानो इस कछुए की जान लेकर ही दम लेने वाले हैं। क्या आपने कभी वल्चर्स देखे हैं? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।